último vídeo agradeço amor. A chota ki bhav karega meer bhavali bhav tere chhawache kaha tha bhajpa adhyaksh ne ka uska ladka snack bechta pakda hai भाजपा का जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रदेश अध्यक्ष का लड़का जेल काट गया है। काहे के लिए काट गया है लोगों को पता नहीं पता। वैसे कहते हो बेटी पढ़ाओ अब बेटी बचाओ हैं, और हरियाणा में क्या क्या हो रहा है क्या कह रहे हैं देखो। बेटी उठाओ शर्म आती है नरेंद्र मोदी तुम्हारे इस राज में शर्म आती है मुझे। अरे जिस सभ्य समाज में औरत का सम्मान नहीं होगा, किसान का सम्मान नहीं होगा वो कैसे उठेगा। अरे बेटी मार डालोगे तो बहू कहां से लाओगे, और किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से लाओगे। किसान को अन्नदाता को तुमने भिखारी बना के खड़ा कर दिया। जो कपड़े बुनने वाला था उसके तन पे कपड़े नहीं है, और जो मकान बनाने वाला था उसको बेघर करके खड़ा कर दिया तुमने आज। मैं नरेंद्र भाई मोदी तुम्हें ललकारता हूं और तुम्हें कहता हूं कि तुमने इस देश को बेच डाला। तुम आप अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हो, मैं बताता हूं तुम्हें कितनी तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है। मैं बताता हूं तुम सिर्फ 1% पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हो, 1% पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हो। BSNL जो सियाचिन में जवानों के पास तक जाता है, BSNL को आज तक तुमने 4G कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। ये जो मोबाइल में आता है ना 3G 4G, इसके बिना मोबाइल नहीं चलता। 5,50,000 करोड़ की कंपनी तुमने उसको 4G नहीं दिया, तुमने एयरटेल को 4G दिया, और अब तुमने जियो दंदनादन को 4G दिया। जियो दंदनादन BSNL 8,000 करोड़ के घाटे में 30,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, और अंबानी 10,000 करोड़ के 3 महीने में फायदे में। वाह रे वाह, क्या ऐसी सुमड़ी में कुमड़ी है, क्या ऐसा राज है कि ये अंबानी हर रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। और मोदी तुम मेरी बातों का जवाब नहीं देते, मैं दे रहा हूं। हर रोज अंबानी सवेरे उठ के तुम्हें गाना गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल, अरे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां का दरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ठोको ताड़ी, ना खाऊंगा बहनों भाइयों, बाओ तेरे चूखे रे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। बहनों भाइयों, मैं देश का चौकीदार है, मैं देश का चौकीदार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अंधों के बाजार में सुनो मोदी, अंधों के बाजार में आईने के खरीदार हैं। शहर के सारे चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं। तुमने चम के खाया तुम्हारा पेट भरने वाला है, तुमने चम के खाया और तुमने अंबानी को ठोक के खिलाया। सारे मैं कह रहा हूं 35,000 करोड़ की घूस दी तुमने, 7,500 करोड़ की डूबी हुई कंपनी अंबानी की, फ्रांस ने उसका शेयर 10 रुपए की कंपनी का 1100 में खरीदा, 1100 करोड़ रुपए पेनल्टी टैक्स की तुमने 56 करोड़ में पास करवा दी। अरे वाह नरेंद्र मोदी, तुमने सरकारी कंपनियां मार के इन प्राइवेट कंपनियों को पैसे दे दिए, देश बर्बाद कर दिया। सुनो नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए थे 2014 में, तुम गंगा के लाल बन के और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल। ठोको ताली ठोको, मैं कह रहा तलाली की थी बिना लड़ाई के, लोगों ने
लोगों ने खून पसीने के पैसे फेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 7,800 करोड़ के फायदे 2014 अज 913 करोड़ के फायदे च रहेगी। ONGC 1,07,000 करोड़ रुपया अज 913 करोड़ रुपये नहीं अज 924 करोड़ रुपये रह गए। सब खा गए तुम, सब बात भेज दिए तुमने। किसान सुन लो, किसान अगर 2 लाख रुपए का कर्जा लेता है तो तुम उससे ब्लैंक चेक लेते हो, ब्लैंक चेक, और अगर 2,000 रुपया वापस नहीं करता तो तुम कोऑपरेटिव बैंक के बाहर उसकी फोटो लगवाते हो, उसे जेल भिजवाते हो, उसकी मुनियादी करवाते हो, हैं? और अडानी ने 1,00,000 करोड़ रुपया इस देश का वापस नहीं किया, कहां है तुम्हारा ब्लैंक चेक? 40,000 करोड़ रुपया अंबानी ने नहीं दिया इस हिंदुस्तान का, उससे नहीं लिया तुमने ब्लैंक चेक? 37,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, उससे नहीं लिया तुमने ब्लैंक चेक? 3,70,000 करोड़ इन लोगों के तुमने माफ कर दे? अंबानी करे तो न्यारी लीला और किसान करे तो कैरेक्टर ढीला। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली ठोको। ये तुम्हारा अस्तित्व है? गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने पूछा कि इतने सिख भरावी बैठे जी, पंजाबी बंदा पंजाबी ना बोले इन्हों का झूठ बोलता है, टका के बोलूंगा ते वट देऊंगा ते कट गुच्छा बना के रसे ते सिद्धू नां ना कहियो मेरा बंब देऊं कट। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं किसी ने पूछा सी बिल्कुल ये दो ही योजना लई मोदी जाने जाऊगा, नौजवानों के लिए पकौड़ा योजना, अमीरां दे लई पकौड़ा योजना। ठोको ताली ठोको। ये दो योजना इतनी पक्कियां ने, इन्हू पूछो जब मोदी नीरव मोदी भागा था और माल्या भागा था तो ड्यूटी पे कौन सा चौकीदार था? पूछो इसको, हाँ पूछो ना इसको, पूछो नरेंद्र मोदी। यदि तू मेरे अगले सवाल का जवाब देना चाहता है तो आ, मैं तेरे घर आ जाता हूँ, देश के सारे मीडिया के साथ आ जाता हूँ, देश के सारे पत्रकारों के साथ आ जाता हूँ, जिसको कहे उसके साथ आ जाता हूँ, तेरी गली में आ जाता हूँ, मोहल्ले में आ जाता हूँ, हिंदुस्तान के किसी कोने में आ जाता हूँ। बता कि तूने रिलायंस को 1240 एकड़ जमीन 40 करोड़ में भी सीमेंट प्लांट लगाने के लिए, सीमेंट प्लांट तो लगा नहीं, रिलायंस ने 40 करोड़ की जमीन 5,000 करोड़ में दी। शर्म नहीं होगी, लज्जा नहीं आती? राष्ट्रभक्ति, वतन की फिक्र कर ऐ नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है, न समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। मैं कह रहा किधर आके बहस करके देखे मेरे नाम, किधर आके किसी जगह पे कहीं पे मेरे साथ इन बातों पे ये बहस करके देखे। मोदी साहब ये सोचते हैं कि 2014 के पहले भारत था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। मगर ये सोचना कि 2014 तो पहले हिंदुस्तान बसता ही नहीं थी, है जी, एक बस रेलवे स्टेशन थी, एक चाय की दुकान थी, और मोदी साहब ने, मोदी के भक्तों को लगता है कि मोदी साहब ने खोद के निकाला भारत को, है ना, खोद के भारत निकला है। और मोदी साहब जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया, जब तुम डायपर में थे और मम्मी तुम्हें खिलाती थी तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। ठोको ताली ठोको। और जब तुम चट्टी में धुआं करते थे ना, इधर से उधर और इधर से उधर और उधर से इधर, तो भारतवर्ष में भाभा एटॉमिक सेंटर खुल गया था, IIT खुल गए थे, IIM खुल गए थे, हैं? और जब तुम डांडियां खेल रहे थे ना, तो शाखा जो RSS की शाखा जो डंडे लगे ठीकू ठीकू, जब तुम ठीकू ठीकू कर रहे थे तो हिंदुस्तान
अंतर्राष्ट्रीय तीन जंग जीत सका था, तीन जंग जीत लिए। मेट्रो शुरू 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 करके तुम बात करते हो हिंदुस्तान की। अबे नींव के बिना किसी ने बिल्डिंग तैयार की है? मोदी साहब गए कह रहे यार निचला माला कितने का बनेगा, उसने कहा जी 20,000 का, कह रहा ऊपर ला, कह रहा जी 5,000 का, कह रहा ऊपर नहीं बना दो फिर ठोको ताली ठोको। अरे देखो ये बात तुमने कही है, मैं अलग अलग तरीके से कहता हूँ। अरे जो जो अडवाणी जी जैसे बंदे का नहीं हुआ वो हिंदुस्तान का क्या है? जब जब बगावत हुई 2002 में बगावत हुई, केशुभाई ने बगावत की, कौन नथ लेके खड़ा हुआ था? जब दंगे हुए इस्तीफे मांगे गए, कौन लठ लेके खड़ा हुआ था? और जब आए तुम तो सीट भी नहीं छोड़ी बुजुर्ग गुरु के लिए, या दूध से मक्खी था चल पा। मोदी साहब मैं कहता हूं तुम्हें आज लिख लेना मेरी बात, बड़े से बड़ा पाप माफ हो जाता है लेकिन एहसान फरामोश बंदे का बोझ धरती उठाती नहीं है। ठोको ताली। तुम क्या हिंदुस्तान की बात करते हो? तुम कहां चाचा नेहरू की बात करते हो? हैं? अरे पेट खाली है, सुनो जी बड़ी बढ़िया गल है, पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है, सुनो जी। ओ देखो महाराज इधर देखो, कोई हेमा मालिनी उधर, इधर देखो, इधर देखो, पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है। जेब खाली है और खाता खुलाया जा रहा है, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, जेब खाली है खाता खुलाया जा रहा है और खाने को खाना नहीं है शौचालय बनाया जा रहा है। तो ठोको ताली ठोको, शौचालय बनाया जा रहा है, मेड इन इंडिया। अरे रिलायंस सुनो, ये बात सुनो बड़ी तगड़ी है भैया, राफेल का प्लेन फ्रांस से, सरदार पटेल का बुत चाइना से, बुलेट ट्रेन जो चली गई वो जापान से, और हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का बनाओगे? पकौड़े तलवाएंगे, दो करोड़ नौकरी नरेंद्र मोदी तुमने कही, भाग कर सामने आ, मुद्दों से भाग मत, ये तो पकौड़े हो गए। अब तुम भाग रहे हो मुद्दों से, 2 करोड़ नौकरी की बात कर, ना राम मिला, सुनो नरेंद्र मोदी, ना राम मिला ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको ताली। नरेंद्र मोदी को मैं पोतड़े खोलूंगा, जिसके पोतड़े खोलूंगा। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, पिछले साल 1,10,00,000 नौकरी गई, BSNL 30,000 नौकरी गई, MTNL कह रहा है बंद कर दो नौकरी नहीं देनी, नौकरी कहां आई? सुनो नौकरी कहां आई? मैं दादा, तुमने सारे ठेके 60,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का अंबानी को दिए, अंबानी ने मैन्युफैक्चरिंग जो तुम कहते थे ना मेक इन इंडिया, वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में से जाके करवाई। चाइना 65 मिलियन जॉब एक 5 साल में दे रहा है, 35,000 रोज, 1,30,00,000 नौकरियां हर साल, और हिंदुस्तान 8,00,000। और देना तो क्या था, जो पल्ले था वो भी गया,
किसान कोई मजदूर, ये मेरे भाई राहुल गांधी का वचन है, जिसके घर में रोटी नहीं है 72,000 रुपया साल तुम्हारे घर बैठे तुम्हें पहुंचे। वचन है। गुरु गोविंद सिंह को किसी ने पूछा सी, गुरु साहब बंदा कहना चंगा थी जनानी कहनी चंगी, कोई कहो जी ऑक्सफोर्ड का कादो वे फड़क दे डोले हो, मारे एक सुन बंदा धरती ची कर दे गुरु साहब बंदा तो भी चंगा, कोई कह जनानी वो चंगी जिदिया अखा बिलौरी नैन नक्श के आदे मुंह खुले का खुला रह गया मित्र तेरे शाग तो गुरु साहब ने क्या गल सुनो ए बंदा चंगा जरा वचन का पक्का ते जनानी वो चंगी जिदिया अखा च शर्म ते हया हो तो मेरे गुरु साहब का कहना। इस करके मैं तुहानू कह रहा सिद्धू वचन दे के चलिया 72,000 रुपए राहुल गांधी मनरेगा दे विच 500 रुपये कमाण दा हरेक नूं अधिकार 4 महीने का पिंडां च वी। ते मोदी साहब तू करती नोटबंदी, मैं तो सुने सी गाल गुलाबी तू नोट गुलाबी करते, हाँ जी 500 का नोट बंद कर 1,000 का नोट बंद, बाहर विदेश जिथे जिथे नोटबंदी हुई जहां जहां नोटबंदी हुई 5,000 का नोट बंद किया गया, 1,000 का नोट बंद किया गया, और अमेरिका ने $100 शुरू किया, इंग्लैंड ने 5,000 पाउंड बंद किया, 1,000 पाउंड किया, 500 पाउंड बंद किया और 50 पाउंड शुरू किया। वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा वाह, तेरे मोदी बैठ गया तू अंबानी की गोदी, हैं तूने 500 का नोट बंद किया, 1,000 का नोट बंद किया और 2,000 का गुलाबी कर दिया, वाह वाह उल्टी गंगा अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। 500 रुपए तुमने मजदूरों से लिए, वो चोर थे जो गृहिणी अपने घर वाले से छुप के 2-4 हजार बचाती थी उसके पैसे तुमने जमा कराए, वो चोर थे। किसान 5,000 रुपया उधार लेके टमाटर बेचने निकला, वो 5,000 तुमने जमा कराए, वो चोर थे। बताओ मोदी 500 रुपए दिहाड़ी करने वाला चाय वाला उसके पैसे तुमने बैंकों में जमा कराए, वो चोर थे। 85 से 90% रोजगार कैश पे चलता है मोदी, तुमने उन सबके पैसे बैंकों में जमा करा के उनको लाइनों में खड़ा कर दिया। गरीब कहता था 4 दिन की जिंदगानी, 2 कतार में 2 इंतजार में, हैं खुद की शादियां 2,000 करोड़ की थी, गरीब 50,000 रुपया नहीं निकलवा सका, 200 बंदे मरे, कोई अंबानी मरिया कोई अडानी मरिया, तुमने 8-8 सौ करोड़ रुपए। अमित शाह साहब ललकार में कहता है सिद्धू सत्य के ऊपर खड़ा हो गए, 750 करोड़ तुमने अहमदाबाद बैंक में जमा करवाए जिसके तुम चेयरमैन हो, जयेश भाई ने 650 करोड़ कराए जिसका वो चेयरमैन है राजकोट में, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे 700 करोड़ उसके बैंक में, लाखों करोड़ रुपए तुमने जमा करवा लिया। यदि एक बैंक में 5 दिन में 750 करोड़ जमा होना था तो 1 घंटे में, बहनों भाइयों 1 घंटे में 12,000 बंदे 2.5 लाख जमा कराते तो होते। मैं कहता हूं कोऑपरेटिव बैंक में 12 बंदे अगर लाइन में जमा होकर 2.5 लाख जमा करा देना तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। सफेद पैसे तुमने काला पैसा गुलाबी कर दिया, गरीब को मार के तुमने पैसे अपने बैंकों में जमा कर लिए, जीएसटी लगा दी, और जो तुमने कहा था कि काला धन विदेशों से आएगा नरेंद्र मोदी 90 लाख करोड़ वहीं का वहीं पड़ा है, वो प्रॉपर्टी के रूप में पड़ा है, वो डॉलर के रूप में पड़ा है, वो पाउंड के रूप में पड़ा है, रुपए को गिरा रहा है, डॉलर चल रहा है, पाउंड चल रहा है, वो तुमने वापस निकाले। 6,000 बंदों की लिस्ट है, तुमने एक का नाम नहीं बताया। 17 लाख करोड़ रुपए लेके भागे बैंकों से, तुमने किसी एक का नाम नहीं बताया। राजन लिस्ट में 17 बंदों के नाम है, तुमने नहीं बताया। यदि तुम में हिम्मत है, यदि तुम राष्ट्र धर्म वाले हो तो बताओ मोदी उनमें से एक नाम बताओ, मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम वाकई राष्ट्रभक्त हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अकाली दल का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी का भी हो, वो राष्ट्रद्रोही है। तुम उनके नाम क्यों नहीं बताते, क्या टांका भिड़ा है तुम्हारा उनके साथ? जियो सिद्धू साहब जियो। 90 लाख करोड़ यदि तुम वापस ले आते तो चिप्स का पैकेट 5 रुपए का,
सारा देश खुशहाल हो जाता, 50% भुखमरी ना होती। तुम राष्ट्रभक्ति की बात करते हो हैं? और काहे का तू चौकीदार है, मच गया देश में हाहाकार है। नोटबंदी और जीएसटी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को, तो 15 लाख का आज भी इंतजार है मोदी काहे का तू चौकीदार। दोनों हाथ खड़े करो और गूंगे पहले कानों तक आवाज पहुंचाओ। दोनों हाथ खड़े, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं जब जवान होता था, अभी भी जवान हूं, तो छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। अंबाले वालों, तुम मुझसे ज्यादा तगड़े हो, ऐसा छक्का मारो मोदी हिंदुस्तान के पार। अब की बार बस करिया क्या? अब की बार बस करिया। एक जज बैठा था, किसी को सजाए मौत होगी, कह रहा तेरी आखिरी इच्छा करना जी, मैं मोदी का विकास देखना चाहता हूं। ठोको ताली ठोको, तो मैं फिर कहूंगा अब की बार, तुम कह रहा बस करिया। अब की बार बस करिया, अब की बार बस करिया, अब की बार बस करिया। बस अब तो हो गया काम, लग गया छक्का, बात खत्म। शैलजा जी ईमानदार है, उसकी ईमानदारी को जिताना, उसकी सफेद चादर को जिताना। मैं आज तुम्हें कह रहा हूं, उसके ऊपर एक भी डाग नहीं है, काली पोछड़ी भी नहीं निकलेगी, सफेद चादर निकलेगी। और इन चोर चौकीदारों को भगाना, इनका कोई अस्तित्व नहीं, खच्चर पे चढ़ने की औकात नहीं, और घुड़सवारी किए बैठे हैं। मेरे देश के चोर बड़े शातिर हैं, सभी चौकीदार बने बैठे हैं। ताली। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, सुन लो। अरे अरबी घोड़ा चाहे दुबला भी क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। ताली। किसान की पग का सवाल है, गरीब की रोटी का सवाल है, औरत सम्मान का सवाल है, हिंदुस्तान की अस्मिता का सवाल है। मैं अखीर दे विच और शेर कह के जाऊंगा, जेडे मेरे बुजुर्ग अंग्रेजा तो रिहाई नहीं कहते होंगे, उदो गोरे अंग्रेजा ने लड़ाई सी, अज हिंदुस्तान को काले अंग्रेजों से मुक्त करवाना है, काले अंग्रेजों से। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई बीजेपी, दो बंदों की, राहु और केतु की। लो सुनो शेर, लो सुनो, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं।